हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, तो कृपया उस क्लिप को स्किप ना करें, पूरा देख लीजिए। अब पता ही करो जो कर रहे थे, अब नहीं आ रही। अब उतर के तक आ जाए, समझ में नहीं आओ कि तक आ जाए। अब तो कहे हैं देख, अब तो लाल ही हो गई वो पूरी। तो क्लिप तो दोस्तों देख लिया है, तो आपको भी गुस्सा आता है जब भी, मतलब छतरी हिला हिला के परेशान हो गए फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है आपके डीडी फ्री डिश में, तो मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नो सिग्नल प्रॉब्लम, वो बंदा जो कि अभी गुस्सा हुआ था उसके छतरी में दोस्तों नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए वो गुस्सा होकर अपना छतरी तोड़कर गिरा दिया। तो दोस्तों, वैसा आपको नहीं करना है, केवल एक मिनट में आप किसी भी सेटेलाइट का जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे सेट करना है। आपको सिग्नल को बहुत ही आसानी से सेट करना है, आपके पास सेटेलाइट मीटर हो या ना हो, बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं अपना जो डीडी फ्री डिश है वो। तो चलिए वीडियो। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे दो छतरी आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, वो पहले से सेट है, ये पहले से सेट नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, वो डीडी फ्री डिश पहले से, और दोस्तों डीडी फ्री डिश और मदनी चैनल दोनों एक साथ पहले से सेट है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, एक छोटी सी डेमो दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको छतरी सेट करना है, वो भी अपने घर पे, मिस्त्री की बुलाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप जो कि आपने देखा है उससे घबराना नहीं है दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको LNB चेक करना है दोस्तों, आपके पास मीटर रहे या ना रहे, बहुत ही आसानी से LNB को चेक कर सकते हो। कैसे आपको बताता हूँ, देख सकते हैं स्क्रीन, यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाला जो सिग्नल एल्थ लेंथ है वो दोस्तों 60 से 80 के बीच में रहना चाहिए दोस्तों। अगर 60 से 80 के बीच में नहीं रहेगा तो मान लीजिए 41-40 ऐसा ही कुछ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि LNB खराब हो चुका है। तो आपको पहले LNB चेंज करना है, और उसके पहले आप छतरी नया लगा रहे हैं तो ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्टेन, जी हाँ, ये छतरी का स्टेन है, देख सकते हैं ये वाला, ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। 90 डिग्री आपको मालूम नहीं है तो आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखिए एकदम सीधा ये है, देख सकते हैं ये सीधा रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, तब ये 90 डिग्री एंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये दोस्तों देख सकते हैं वो भी 90 डिग्री के एंगल पे है, देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री के एंगल पे है दोस्तों, क्योंकि ये सीधा है इसलिए 90 डिग्री के एंगल पे है। और दोस्तों आपको स्क्रू एंगल, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रू एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रू एंगल दिखाई दे रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीडी फ्री डिश का स्क्रू एंगल कितना होता है, और मतलब जो भी सेटेलाइट है उसका स्क्रू एंगल आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से डिश सेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्क्रू एंगल के बारे में। तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो वीडियो कॉन और जो टाटा स्काई होता है ऐसा रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आप कनेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप स्क्रू एंगल करना सीख जाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो वीडियो कॉन और टाटा स्काई ये दोनों सेट हो जाएगा, और इतना तिरछा करेंगे तो आपका जो डीडी फ्री डिश है वो भी सेट हो जाएगा, और क्या नाम है उसका, डिश टीवी, वो भी सेट हो जाएगा। और इतना तिरछा कर देंगे तो हमारा जो एयरटेल है वो भी सेट हो जाएगा, 100% हो जाएगा सेट। तो ये तो आप समझ गए, और यहाँ पे स्क्रू एंगल लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप यहाँ पे ना देखिए जो भी मैं यहाँ पे दिखाया हूँ स्क्रू एंगल ऐसे करके, उसको आप ध्यान दीजिएगा तो 100% हो जाएगा। और दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आप ऑटो स्कैन करते हैं तो आधा ही चैनल आता है और आधा चैनल नहीं आता है, तो स्क्रू एंगल के ही कारण होता है। इतना कर देंगे स्क्रू एंगल डीडी फ्री डिश का तो आपका जो सभी चैनल आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको छतरी कैसे घुमाना है, स्क्रू एंगल सेट हो गया, और LNB को तो बताइए दिए हैं कि LNB आपको कैसे चेक करना है। अब छतरी आपको हल्के हल्के घुमाना है, और दोस्तों एक
आपको नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी, देख सकते हैं। आपको क्या करना है, MPG 2 रिसीवर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन MPG 2 रिसीवर में हम अभी बता रहे हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ECTP को आपको ऐड न्यू प्रोग्राम में इसको डालकर ओके बटन नहीं प्रेस करना है, उतना पे ही छोड़ देना है और अप डाउन छतरी को करना है, आपका सिग्नल 100% आ जाएगी। तो कैसे करना है, आपको रिमोट से मेन्यू बटन प्रेस करना है और ऐड न्यू प्रोग्राम दोस्तों आपको प्रोग्राम सेटअप पे जाना है, तीसरे नंबर पे लिखा होगा रेडियो चैनल के नीचे प्रोग्राम सेटअप, उस पर ओके बटन करना है प्रेस। ओके बटन करेंगे प्रेस तो उसके बाद आपको ऐड न्यू प्रोग्राम आएगा। ऐड न्यू प्रोग्राम पे आएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी फ्रिक्वेंसी को आपको वहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद छतरी पे आना है और हल्के हल्के दोस्तों ये नोट और ये दोनों नोट और ये नोट ये आपको हल्का सा ढीला कर लेना है और अप डाउन करना है दोस्तों। इतना करने के बाद आपका जो चैनल है 100% आ जाएगी दोस्तों, जो कि सिग्नल उस चैनल मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो चैनल मतलब वो सिग्नल है वो 100% आ जाएगी दोस्तों। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।